हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों, आज के मजेदार वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या बेनिफिट्स है अलॉय व्हील्स के, क्या डिसएडवांटेज है अलॉय व्हील्स के जिसे हम मैगव्हील भी कहते हैं, और क्या बेनिफिट्स है स्टील रिम के और क्या डिसएडवांटेज है स्टील रिम के। ये सारे टॉपिक पे आज चर्चा होने वाली है। दोस्तों, अगर आप अलॉय व्हील में अपग्रेड करना चाह रहे हो या कोई व्हीकल लेना चाह रहे हो जिसके अंदर आपको थोड़ा एडिशनल पैसा देके अलॉय व्हील लेना है, तो क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है क्विक फिक्स इंडिया, जहां पे हम लोग बाइक रिलेटेड, कार रिलेटेड काफी अच्छी अच्छी स्टोरीज और पोस्ट अपडेट करते रहते हैं, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है वहाँ पे भी, डेली बेसिस की अच्छी अच्छी स्टोरीज वहाँ पे अपडेट होते रहती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले दोस्तों बात करते हैं अलॉय व्हील्स के बारे में। अलॉय व्हील्स क्या होता है? अलॉय व्हील्स को मैगव्हील भी कहा जाता है। ये बनता है एल्यूमिनियम से और मैग्नीशियम से। कोई कोई अलॉय व्हील्स एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन से बनता है या कोई खाली मैग्नीशियम से बनते हैं। ट्रेडिशनली ये दोस्तों हाई एंड व्हीकल्स में यूज होते हैं अलॉय व्हील्स, लेकिन रिसेंट टाइम में सारे जो मैन्युफैक्चरर है इन लोगों ने हाई एंड व्हीकल्स मतलब जो उनके टॉप ऊंचे मॉडल्स है उनमें देना चालू किया है। लो एंड में अभी भी ये लोग स्टील रिम ही दे रहे हैं। काफी टू व्हीलर्स में भी आप आजकल देखेंगे कि मैगव्हील आना चालू हो गए, इवन स्कूटर्स में भी मैगव्हील आना चालू हो गए। पहले देखेंगे दोस्तों अलॉय व्हील्स के क्या बेनिफिट है। दोस्तों, सबसे सिंपल चीज है अलॉय व्हील का सबसे पहला जो बेनिफिट है, आपने देखा होगा बीएमडब्ल्यू जाती है, मर्सिडीज जाती है, पोर्श केन वगैरह जैसी हाई एंड व्हीकल्स जाती है तो नजर वहां पर चली जाती है। क्यों जाती है? उनमें अलॉयज लगे होते हैं, तो दिखने में जो है अलॉय व्हील काफी खूबसूरत होते हैं, क्योंकि ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के बने होते हैं। मैन्युफैक्चरर उसे मोल्ड कर सकता है, उसको जैसी डिजाइन चाहिए वैसी डिजाइन बना सकता है। डायमंड शेप हो गया, स्पोक शेप हो गया, काफी अलग अलग डिजाइन उसके अंदर बना सकते हैं, जो कि स्टील में पॉसिबल नहीं है। स्टील में थोड़े लिमिटेड ही डिजाइन होते हैं, लिमिटेड ही उसके अंदर मोल्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे बेनिफिट जो है पहला वो है लुक, लुक में काफी अच्छे होते हैं मैगव्हील्स अलॉय व्हील्स। दूसरा दोस्तों बेनिफिट की बात करते हैं अलॉय व्हील्स के, इसका ब्रेकिंग बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि ये हीट डिस्पेंस करते हैं, ये हीट को कंडक्ट करते हैं। तो ब्रेकिंग आप स्टील रिम से कंपेयर करोगे तो मैगव्हील में ब्रेकिंग जो है वो काफी इफेक्टिव होता है, काफी स्मूथ होता है। हीट रेजिस्टेंस है उसकी वजह से आपकी जो स्टेबिलिटी है ये काफी अच्छी होती है, और आपका कॉर्नरिंग जो रहता है वो काफी अच्छा होता है, और प्लस आपका जो ब्रेकिंग है ये भी काफी इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों, तीसरा जो बेनिफिट है ये है परफॉर्मेंस। जो अलॉयज होते हैं ये मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। आपने देखा होगा कि हाई एंड गाड़ियों में अलॉय व्हील्स लगे होते हैं, क्योंकि अलॉय व्हील्स जब भी चलते हैं स्पीड में ये सस्पेंशन के साथ में इनका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। ये वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आउट द टायर, तो सस्पेंशन भी अच्छे से फंक्शन करता है, आपको स्मूथ राइड मिलती है। जहाँ पे स्टील रिम में बेंड वगैरह छोटे से भी बेंड अगर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनइवन होता है, उसके अंदर आपका जो परफॉर्मेंस है ये कहीं ना कहीं लो रहता है, तो ये तीसरा बेनिफिट है। चौथे बेनिफिट की बात करेंगे दोस्तों अलॉय व्हील के, मैगव्हील के, आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। ये क्यों मिलती है? अलॉय व्हील्स जो होते हैं ये लाइट वेट होते हैं, ये इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आउट द रिम, तो उसके अंदर क्या होता है आपका जो गाड़ी को पुल करने का जो कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन है वो कम रहता है, क्योंकि ये इनका जो कोऑर्डिनेशन सस्पेंशन के साथ में काफ़ी बेहतरीन होता है, तो उसकी वजह से आपका फ्यूल कहीं ना कहीं बचता है, तो फ्यूल इकोनॉमी जो एवरेज है वो ज़्यादा मिलता है आपको अलॉय व्हील्स में। पाँचों बेनिफिट की बात करेंगे दोस्तों, फिफ्थ बेनिफिट जो है इसका ये है अलॉय व्हील्स रस्टेड नहीं होते हैं, कोरोजन क्रिएट नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये एल्यूमिनियम के बने होते हैं। रस्ट या जंग जिसे कहते हैं ये लगता है स्टील के अंदर, स्टील जल्दी कोरोजन पकड़ते हैं, जल्दी रस्टेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो बहुत से लोगों की कंप्लेंट आती है दोस्तों कि साइड वॉल से टायर लीकेज हो रहा है, साइड से एयर निकल रहा है, या वॉल जहां डालते हैं वहां पे कोरोजन आ गया है, क्योंकि ट्यूब डाला था इसलिए। ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो स्टील रिम में आता है कोरोजन का और रस्टिंग का, वो अलॉय में ना के बराबर है। अलॉय व्हील्स में भी आता है, अनइवन होता है, लेकिन ये 20-25 साल के बाद होता है, उसका बेसिकली कोट निकल जाता है। सो अलॉय व्हील काफ़ी बेहतर है रस्ट से बचने के लिए या फिर कोरोजन से बचने के लिए। छठे बेनिफिट की बात करेंगे दोस्तों, टायर लाइफ जो है अलॉय व्हील्स में आपको ज़्यादा मिलती है। ये क्यों मिलती है? क्योंकि ये हीट है, ये हीट डिस्पेंस करते हैं, सो टायर जो है वो आपका कूलर रहते हैं अलॉय व्हील्स में कंपेयर टू स्टील रिम, तो कहीं ना कहीं टायर की लाइफ आपको ज़्यादा मिलेंगी अलॉय व्हील्स में। अभी आप ये परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 5-10% का भी जो फर्क है, जैसे इसमें 50,000 चलते तो इसमें 55,000 चलेंगे, तो 10% का भी जो फर्क है काफ़ी मायने रखता है।
तो ये टायर लाइफ ज्यादा अच्छी देते हैं कंपेयर टू स्टील रिम। तो अलॉय व्हील्स का बेस्ट बेनिफिट है दोस्तों, ट्यूबलेस टायर जो न्यूमेरिक टायर जिसे कहते हैं उसके लिए स्टील रिम से अच्छे होते हैं अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स में ट्यूबलेस टायर ये परफेक्टली फिट होते हैं और परफेक्टली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। आठवां बेनिफिट बताना चाहूंगा दोस्तों, अलॉय व्हील्स के जो कॉर्नर्स होते हैं ये काफी स्ट्रांग होते हैं, स्टील रिम के कॉर्नर्स होते हैं ये काफी वीक होते हैं। तो कहीं पॉटल्स में गाड़ी चली जाती है तो ये बेंड हो जाते हैं, ये बेंड नहीं होंगे। लेकिन एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये टायर डैमेज कर सकते हैं, ये शायद टायर को बचा ले, ठीक है, ये एक बेनिफिट हो सकता है। अभी दोस्तों देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो गिना दिए मैंने आपको, कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो डिस है इसका वो है इसकी स्ट्रेंथ ये कम होती है कंपेयर टू स्टील रिम। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं लेकिन आप अगर ऑफ रोडिंग में चला रहे हो या डेजर्ट में चला रहे हो जहाँ पर रॉक हिट करने का चांसेस है तो स्टील रिम जो होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है इनमें कंपेयर टू अलॉय व्हील्स, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। स्टील रिम की दोस्तों स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है अलॉय व्हील्स से, सो ये एक इसका डिसएडवांटेज हुआ। दूसरा डिसएडवांटेज दोस्तों, अलॉय व्हील्स की गाड़ियाँ भी महंगी है और अलॉय व्हील्स भी महंगे हैं। ये अगर जैसे एक मारुति का एग्जांपल देता हूँ, मारुति का जो ये स्टील रिम है आप लेने जाओगे 800-850 रुपए में इजीली मिल जाता है, कोई इनोवा विनोवा का लेते हो तो एक 2-3 हज़ार तक आ जाता है। लेकिन जहाँ पे अलॉयज है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, आप अगर अलॉयज लेने जाते तो 8-10 हज़ार का एक अलॉयज आता है ओरिजिनल कंपनी में, आफ्टर मार्केट में भी अगर आप लेने जाते हो तो 6-7 हज़ार का आता ही है। सो अलॉयज आर एक्सपेंसिव। डिसएडवांटेज बोलूंगा दोस्तों, जो कॉस्ट का तो बात कर लिया लेकिन अवेलेबिलिटी का बात करते हैं, अवेलेबिलिटी भी अलॉय व्हील्स की इजीली होती नहीं है क्योंकि काफ़ी कंपनियां डिज़ाइन चेंज करती रहती है, गाड़ी के मॉडल चेंज करती रहती है तो ईजिली ये अवेलेबल नहीं होते। स्टील रिम सबके पास अवेलेबल होते हैं। वो फोर्थ डिसएडवांटेज दोस्तों बोलना चाहूंगा कि काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन से टाइप के अलॉय व्हील्स लेना है, तो वो लोग चाइना वाइना के इंपोर्टेड खरीद लेते हैं और उसके बाद में अगर एक अलॉय व्हील उनका ख़राब होता है तो सेम टू सेम अलॉय व्हील बहुत से टाइम मिलता नहीं है तो उनको चारों के चारों रिप्लेस करने होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके लिए इसको अवॉइड करने के लिए आप कोई भी ब्रांडेड अलॉयज ले सकते हो, सो कंपनी के ओरिजिनल ले सकते हो या नियो करके काफ़ी अच्छा ब्रांड है जो कि इंडिया का ब्रांड है जो OEM को सप्लाई करता है, जैसा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो महिंद्रा है या निशान है इनके लिए भी वो अलॉयज बनाता है, तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी है। प्लाटी करके है एक काफ़ी अच्छी इंडियन कंपनी है, वो भी अच्छे अलॉयज बनाते हैं। और इम्पोर्टेड में मोमोज काफ़ी अच्छे हैं या फिर बहुत से ब्रांड्स हैं अलॉयज में, लेकिन ये ब्रांडेड ही खरीदे। अगर आप चाइना वाइना के नॉन ब्रांडेड खरीद रहे हैं तो मैं अवॉइड करूंगा कि मत खरीदिए, पहले देखिए कि कंपनी कैसी है क्या है उसके बाद ही अलॉयज खरीदिए। तो आपको अगर एक भी डैमेज होता है तो सेम टू सेम पीस मिल जाएगा आपको। बात करते हैं स्टील रिम के बेनिफिट्स की, स्टील के क्या क्या बेनिफिट्स है दोस्तों। स्टील रिम्स ये जो होते हैं ये काफ़ी सस्ते होते हैं, ये एक इनका बेनिफिट है क्योंकि अगर ये डैमेज भी हो जाते तो इजीली अवेलेबल हो जाते, ये उसका दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट दोस्तों, अगर पॉटहोल में आप गए हो जहाँ पे रिम यहाँ पे क्रैक होने के चांसेस होते हैं, अलॉयज में ये कभी क्रैक नहीं होगा। यहाँ पे ये अगर मुड़ जाता है तो उसको आप कोई तो हैमर से लेके उसको सीधा करके गाड़ी वापस चला सकते हो, इसमें पॉसिबल नहीं है। ये अगर लीक हो गया है तो आपको स्टेपनी लगाना पड़ेगा और आपको ये रिप्लेस ही करना पड़ेगा, तो ये एक बेनिफिट है। बाकी लाइफ वाइज देखेंगे तो लाइफ जो है ये दोनों की इक्वली अच्छी है, लेकिन ये जो होते हैं थोड़े मोटे डैमेज हो जाते हैं इसमें, तो उसके बाद में बैलेंसिंग है इसमें परफेक्टली होता नहीं है तो कहीं ना कहीं वॉबलिंग जाती है स्टेयरिंग में, ये एक ड्रॉबैक है इसका स्टील रिम का। वो एक बेनिफिट है अलॉय व्हील्स का जो कि मैंने मेंशन नहीं किया था, वो भी एक एडेड एडवांटेज है इसका। सो बैलेंसिंग करने के वक्त अलॉय व्हील में वेट जो है यूजुअली कम लगता है, स्टील रिम में ज़्यादा लगता है। रोडिंग में दोस्तों या फिर डेजर्ट ड्राइविंग के लिए आप देखेंगे कि मोस्टली लोग स्टील रिम का यूज़ करते हैं, वो क्यों करते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अपन, जिसके अंदर आपको मैं लिटरली बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ में। वैसे टेरेन में मुझे जाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, तो कहीं मैं ऑफ रोड डेस्टिनेशन जाता हूँ तो वहाँ पे उसका एक वीडियो बनाऊंगा और ज़रूर आपके लिए पोस्ट करूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है दोस्तों तो एक प्लीज़ लाइक कर लेना। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बाजू में दोस्तों एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लो, सो आने वाले सारे वीडियो आपको देखने मिलेंगे और उसका नोटिफिकेशन आएगा। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।